एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्यूट एंगल मींस 90 से छोटा, ठीक है, एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे हम, क्या लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले वी हैव sec 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, तो sec को चेंज करो cosec 90 डिग्री माइनस 4a राइट इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, तो क्या करते हैं हम cosec cosec कैंसिल, क्या बच गया 90 डिग्री माइनस 4a a माइनस 20 को इधर ले आए और a माइनस ये है ना यहाँ पे क्या गया प्लस 4a हो गया माइनस है तो दूसरी साइड गया 4a ये कितना आ गया 110 डिग्री और ये कितना आ गया 5a क्लियर, और ये 5a से ये है तो हम 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा a व्हिच इंप्लाइज a कितना आ जाएगा 22 डिग्री ये कट जाएगा 22 क्लियर कितना आ जाएगा a वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए बी सी और इंटीरियर एंगल्स क्या दिया हमें इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू हमें ये चीज शो करनी है। उसने क्या दिया हमें उसने कहा कि ए बी सी इंटीरियर एंगल है किसके ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं देन उन ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री राइट 180 डिग्री आता है तो क्या करेंगे हम उसकी हेल्प से निकालेंगे यहाँ पे क्या लेंगे हम सॉल्यूशन में सिंस ए बी सी और इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन ए बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री राइट तो क्या हमें चाहिए क्या बी प्लस सी चाहिए ना क्या मैं इसको ए को इस तरफ ले जाऊं लेकिन हमें चाहिए क्या अपॉन में टू तो क्या करें अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू कॉमा वी कैट तो ये क्या गया बी प्लस सी अपॉन टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू ये तो आया बी प्लस सी अपॉन टू अलग अलग अपॉन देंगे इसको 180 डिग्री अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू समझे आप। अब जहां भी आएगा बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू जी क्या इसको काटेंगे तो जी क्या बन जाता है 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू तो अब हमें क्या चाहिए बी प्लस सी अपॉन टू के साथ क्या है साइन दोनों साइड लगाएंगे ऐसा ना जहाँ पे साइन है जहाँ पे कॉस होगा जहाँ पे साइन है साइन दोनों साइड लगाना तो जहाँ पे क्या आएगा पीछे इम्प्लाइज साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू चलो बता जी आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू लेकिन साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जी कहाँ पे भी ना कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर पॉजिटिव और इन केस 90 पे चेंजिंग हो जाती है जब चेंजिंग हो जाती है तो किस में आज चेंज हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू है ना ऐसा लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इट मींस कॉस थीटा ओके ये हमने प्रूव करना था है ना हैंस प्रूव्ड ओके एनी क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री
इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इट मींस हमारे पास क्या होना चाहिए, तो जो साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है, इनकी जो वैल्यू है जो इनकी रेशियो है 0 और 45 डिग्री के बीच में लानी है। कैसे लाएंगे, किस तरह से, देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले वी हैव साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 67 है ना, क्या मैं इसको 90 में से 23 माइनस करूं, 90 में से 23 माइनस करें तो कितना आता है 67, फिर 75 है ना, तो क्या करेंगे हम प्लस कॉस 90 में से 15 माइनस करें तो कितना आता है 75 आता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, बिकॉज कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा के, तो देखो जी आ गया, जे इसको साइन और कॉस में कर दिया, मैं इसको लास्ट में ऐसे लिखता हूं साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री, देखो जो जे वैल्यू 23 और 15 जीरो और 45 के बीच में है कि नहीं है, है तो बस जी मैंने आना बस इतना ही आना। लास्ट एग्जांपल की तरह है, इज द रिक्वायर्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।